क्या चीन ने अपनी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है? भारत पाकिस्तान तनाव पर चीनी सेना की पैनी नजर क्यों है? पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के ठिकानों पर भारतीय एयरफोर्स की कार्रवाई के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हालात युद्ध सरीखे हो गए हैं। इन सब के बीच चीन की सेना भी भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर करीब से निगाह रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के मीडिया ब्रीफिंग के दौरान चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेन गुओचांग ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का संज्ञान लिया है। हम स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। इस दौरान जब चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया कि क्या पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने तनाव के मद्देनजर सीमाओं पर अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है, तो उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान दोनों ही चीन के मित्र हैं। हमारा मानना है कि शीर्ष प्राथमिकता संयम बरतना है, साथ ही बातचीत और तालमेल से मुद्दों को सुलझाना है ताकि तनाव कम हो। इसके अलावा चीन ने दोनों ही पड़ोसियों से संयम बरतने को कहा है। चीन ने कहा कि दोनों ही देशों को बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाना चाहिए, साथ ही भारत पाकिस्तान को तनाव को और बढ़ाने से रोकने के लिए मतभेदों से निपटना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, मतभेद निपटाएंगे और तनाव को बढ़ने से रोकेंगे। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। आतंकी संगठन जैश के इस आत्मघाती बम हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया था। इस हमले में बड़ी संख्या में जैश के आतंकी ट्रेनर, सीनियर कमांडर और जिहादी मारे गए थे। इन जिहादियों को आत्मघाती बम हमले के लिए तैयार किया जा रहा था। इतना ही नहीं, इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर भी करारी मात देने में कामयाब हुआ। दुनिया के 50 से ज्यादा देश भारत के समर्थन में खड़े नजर आए। यहाँ तक कि पाक का सदाबहार दोस्त चीन भी उसका साथ देता नजर नहीं आया। पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने के बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। हालांकि दोनों देशों के बीच जारी तनाव में कोई कमी नहीं आई है। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पाक के तनाव पर है। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।